मॉर्निंग जी ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों नमस्कार मैं उपेश आनंद मैं सीए मैं सी एस मैं सीएम में मैं सी ए मैं लंडन मैं अमेरिका और आप ही का दोस्त मैनेजमेंट अकाउंटिंग ए सी सी ए नॉलेज लेवल लेक्चर फाइव बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आइए जी लेक्चर फाइव में कुछ और एक कदम आगे बढ़ाएं और नई बातों को सीखें आई फोर लेक्चर अप टू दिस पॉइंट और मैंने इन चार लेक्चर्स में आपको काफी कुछ बताने की कोशिश की स्पेसिफिकली इन लास्ट लेक्चर बेटे मैं थोड़ी सी प्लानिंग की बातें बताऊंगा आपको एज वी हैव डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर अबाउट प्लानिंग तो आप जल्दी से पहले रजिस्टर ओपन कर लें.

बेटा इनकी पहले मैं प्लानिंग करता हूं कि मुझे इस लेक्चर में क्या बताना है फिर क्या बताना है कौन सी साइड दिखानी है कौन सा गाना दिखाना है कैप्लॉन से क्या दिखाना है कौन से पॉइंट्स पर ज्यादा एम्फोसाइज करना है ये पूरी स्क्रिप्ट बनाता हूं ऐसा नहीं कि आया और बोलना शुरू कर दिया एंड इट शुड मैच विद योर लर्निंग आउटकम्स तो इट मीन्स आई एम डूइंग प्लानिंग तो प्लानिंग आज हम इस प्लानिंग में डिस्कस करेंगे दैट एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट

अपनी कंट्री को लीडर बनाना चाहते हैं इस दुनिया का दैट कैन बी अशन दैट इज अट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग अब उसके लिए क्या है कि सभी की जी डी पी इनकम अच्छी हो इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो एजुकेशन अच्छी हो उसके लिए कुछ पॉलिसीज बनेगी फाइनेंस मिनिस्टर बनाएगा ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर बनाएंगे अलग अलग मिनिस्ट्री देट इज टैक्टिकल प्लानिंग और उसके बाद थर्ड होगी कि हम उसको इम्प्लीमेंट करें एट लोअर लेवल दैट इज ऑपरेशनल प्लानिंग सिविलरलीर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ यू नो प्लानिंग्स तो स्ट्रैटेजिक्लानिंग आज हम डिस्कस करेंगे जैसे मुकेश अंबानी बड़ी-बड़ी बातें करेंगे कि रिलायंस जियो ये शेयर दैट इज दिस इज अ मिशन दिस इज अ गोल दिस इज ऑब्जेक्टिव सो दैट प्लानिंग विच इज बीन डन एंड टॉप लेवल इज स्ट्रेटजिक प्लानिंग उसको डिस्कस करेंगे अच्छा उस गोल को अचीव करने के लिए आप क्या प्लान्स बना रहे हैं कुछ छोटे मीडियम लेवल पे शॉर्ट टर्म लेवल पे दैट इज अप टू 12 मंथ्स उसको बोलते हैं बेटे हम टैक्टिकल प्लानिक्स और नीचे बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे हर रोज़ की ज़िंदगी में हमें क्या क्या आपने कहा ये बड़ा ऑब्जेक्टिव अचीव करना है अब उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यू यू हैव टू गेट इट नो योर सेल्फ उसके बाद यू हैव टू प्रिपेयर द नॉलेज लेवल एफ वन एफ टू एफ थ्री इट मीन्स बारह महीने में नेक्स्ट ट्वेल्व मंथ्स में क्या करना है नाइन मंथ्स में क्या करना है दैट इज टेक्टिकल प्लानिंग लेक्चर्स कहां से भाई करने हैं कैपिटल लेना है या बीबीपी लेना है सब्जेक्ट पहले देना है उसमें कितने चैप्टर्स हैं उसके लॉजिक्स दैट इज टैक्टिकल प्लानिंग और थर्ड बेटे ऑपरेशनल प्लानिंग कि आपने ए बनना है ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया कैप्लॉन वगैरह सब ले लिया मेरी क्लासेस ले ली अब हर रोज कितने घंटे पढ़े हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर दैट इज ऑपरेशनल प्लानिंग आई थिंक आप बात समझ पा रहे इस एग्जांपल से होल आइडिया मस्ट बी क्लियर दैट व्हाट आई मीन बाय स्ट्रेटजिक प्लानिंग व्हाट आई मीन बाय टैक्टिकल प्लानिंग व्हाट आई मीन बाय ऑपरेशनल प्लानिंग तो मैं टाइप्स ऑफ प्लानिंग की बात करूंगा और टाइप्स ऑफ प्लानिंग में मैं अलग 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 आपकी अपनी यू you नो know, रोजमर्रा की जिंदगी के एग्जांपल्स लेकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा दैट दिस इज प्लानिंग जैसे हम आप बात करें आई 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 लिव लिव इन इन इंडिया अ इंडियन जॉइंट फैमिली तो इसमें बेटे ग्रैंड फादर होते हैं ग्रैंड मदर होते हैं पापा होते हैं मम्मी होती है है ना माइनर सन होता है तो मैंने एक फैमिली की बताई कि ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर जनरली क्या करते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते हैं बड़ी बड़ी बातें करेंगे घर लेना है नहीं लेना कार लेनी है नहीं लेनी अब वो घर लेना है उसके लिए पैसे कहां से आएंगे वो पापा ध्यान रखेंगे टैक्टिकल प्लानिंग उसके बाद थर्ड हर रोज अब हम उस घर के लिए क्या क्या और एक्टिविटीज करनी है दैट इज ऑपरेशनल प्लानिंग प्लानिंग तो बेटा तीन लेवल्स ऑफ होती है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जो एग्जामिनेशन कबर सीधी करके बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ समझ आ रहा है क्योंकि मैंने अभी एफ का एक वीडियो का लेक्चर भी दिखाना है ऑलरेडी आपको मैंने एफ वन बिजनेस टेक्नोलॉजी में दिखाया लेकिन उसका कुछ पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो तो आज के इस लेक्चर के साथ रिलेट करता है बिकॉज हम प्लानिंग की बातें कर रहे हैं

लेकिन लॉजिकली आपको क्लियर नहीं होता क्योंकि मैंने केस स्टडीज बतानी है तो आज आप अभी ऊपर लिख रहे हैं ऊपर रहे हैं बेटे बेटे अपने पेज को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं मैं चाहता हूं कि आप सभी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को पहले लिखें फिर टेक्टिकल प्लानिंग लिखें फिर ऑपरेशनल प्लानिंग लिखें अपने पेज को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टेक्टिकल प्लानिंग ऑपरेशनल प्लानिंग स्ट्रैटेजिक प्लानिंग टेक्टिकल प्लानिंग

ये 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 शॉर्ट टर्म प्लानिंग है वी 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 डू डू शॉर्ट शॉर्ट टर्म, टर्म प्लानिंग, प्लानिंग। डे डे टू एक्टिविटीज़ डिस्कस करते हैं। ऑपरेशनल मैं आप दूसरी केस स्टडी हुआ अगर आपके लिए मैं कहूँ जी मैं एज एपेशन क्लासेस मैं मेरा क्या गोल है

With 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 full full, 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 understanding, with full understanding, examination kit that is tactical planning to प्लानिंग देखिए classes ki bhi maine case study di अब सवाल यह आता है कि आप अभी भी नहीं लिखेंगे तो बेटे ये सारी बातें भूल जाएंगे कुछ दिनों के बाद आप भूल जाएंगे तो आपको पेज में अभी इसी समय

एग्जामिनेशन किट का डाउट सेशंस का रिवीजन का देखो क्या क्या बातें लिखी यार? कितना सोचा कि आपको रियल एग्जाम्पल दूं तो ज्यादा समझ आए है खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ आपके सामने प्लान टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी ऑफ वीडियो एजुकेशन विद हंड्रेड परसेंट पासिंग दिस इज ट्रेटेजिक प्लानिंग दिस इज ट्रैक्टिकल प्लानिंग टू फिक्सारगेट फॉर द कंटेंट ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ अ इप्लॉन बीबी स्टडी टेक्स एग्जामेशन किट रिविजन डाउट सेशन अब आप बताओ मेरे ऑपरेशनल प्लान्स क्या होंगे कि हर रोज मुझे कितने घंटे की रिकॉर्डिंग करनी है क्या-क्या करना है कितने चैप्टर्स हो जाने चाहिए कितने फिर दैट इज ऑपरेशनल प्लानिंग रोज मरना की जिंदगी की बातों को करना दैट इज टीचिंग शेड्यूल्स बनाने हैंड स्किल्स हैंड स्लाइड्स गूगल ये जो मैं बना रहा हूं गूगल से फिर सॉन्ग्स क्या लिखाने हैं मॉक टेस्ट का लेने टेस्ट पोर्टल वन टू वन सेशंस बेटा ये

उसके लिए हमें नेक्स्ट बारह महीने में क्या करना है और हर रोज क्या करना है तो देखिए मैंने लिखा हेडिंग के, प्लानिंग में क्या लिखा है इंक्रीज इन मार्केट शेयर वी वॉन्ट टू अ मार्केट शेयर ऑफ दिस मच परसेंटेज एंड फॉर और वी वॉन्ट टू है इंक्रीज इन रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉय ट्वेंटीजिक प्लान बेटा स्ट्रैटेजिक लॉन्ग टर्म होता है टेक्टिकल मीडियम टर्म होता है ऑपरेशनल डे टू डे प्लान होता है आपको तीनों प्लान चाहिए तभी आप किसी मिशन को किसी गोल को अचीव कर सकते हो मैं इस समय आपको प्लानिंग की बातें बता रहा हूं प्लानिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ अजमेंट विच हैव डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर अब आप लिखेंगे तो ज्यादा समझ आएगा सेकंड अगर मैं रिलायंस केस स्टडी रिलायंस जियो केस स्टडी की बात करूं तो बेटा इसके लिए टेक्टिकल प्लान्स क्या होंगे एक्सपेंशन

में अगर हम देखें तो लेवल्स ऑफ प्लानिंग आर गिवन टू यू ठीक है इन मैनेजमेंट ए सीसीए स्ट्रैटेजिक प्लानिंग द लॉन्ग टर्म प्लानिंग द फाइव ईयर प्लानिंग फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन एंड देन वी हैव टेक्टिकल प्लानिंग दैट इज फॉर ट्वेल्व मंथ्स मीडियम टर्म है ना ऑपरेशनल प्लानिंग स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इज लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डे टू डे अब आप जब कैप्लन देखेंगे वैसे मैं थोड़ा सा एक हल्का था दस मिनट का वीडियो पेस्ट कर रहा हूँ जो मैंने F1 में बताया एफ वन का वीडियो मैं पेस्ट करूंगा, so planning, planning and... मुझे है कि आपको पता है, still, आप अगर वो वीडियो देख लेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बढ़ेगी ठीक है तो आप सभी अभी वो वीडियो देख रहे हैं एफ वन बिजनेस टेक्नोलॉजी का इन विच आई हैिंग अबाउट टेक्टिकल प्लानिंग एंड अबाउट

a detailed budget hai, to ensure that cost-saving targets are achieved in the forthcoming period this is not a strategic plan this is not an operational plan logically but it is a tactical planning कहते हैं जब लॉजिक्स और कंसेप्ट क्लियर हो ना तो आपके क्वेश्चंस होने स्टार्ट हो जाते हैं इसीलिए मैं चाहता हूं कि जो मैं एफ वन का वीडियो भी पेस्ट कर रहा हूं आपका उसको ध्यान से देखें और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर सिक्स में मिलकर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जल्दी से बेटा ध्यान से देखना है कहता है उससे पहले हम डिस्कस करेंगे आज एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट सी आपको बताऊंगा कि हम सब जो हमारी अपनी फैमिली है बेटे मैं अगर उसमें थोड़ा सा इस तरह का ट्री बना दूं फैमिली ट्री इफ आई प्रिपेयर अ फैमिली ट्री देन ट्री विल बी लाइक दिस सपोजिंगली द इज लाइक दिस सपोजिंगली द ट्री इज लाइक दिस एक बच्चा कह रहा सर ये क्या बनाते हैं यार बेटे अभी बता रहा हूं मैंने कहा दिस इज ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर ओके दिस इज मदर सन मदर हसबेंड या फादर मदर एंड सन दिस इज हजब एंड वाइफ एंड दिस इज देयर माइनर सन बेटे मैंने एक ज्वाइंट फैमिली का ट्री प्रिपेयर किया सर ये क्यों बना रहे हैं बेटे मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे अभी समझाना है स्ट्रेटेजिक लेवल ऑफ प्लानिंग एज पर एंथनी टेक्टिकल लेवल ऑफ प्लानिंग एज पर एंथनी ऑपरेशनल लेवल ऑफ प्लानिंग एज पर एंथनी तो आपको आई विल बी गिविंग यू द रियल लाइफ एग्जाम्पल सो दैट यू कैन गेट एन इज इज द मीनिंग एंड द डिफरेंस बिटवीन थ्री टाइप्स ऑफ प्लानिंग्स तो मैंने मैंने क्या किया मैंने यहां पर प्लानिंग ग्रैंड फादर ग्रदर का एक ब्रांच बना दिया मैंने यहां पर फादर मदर और सन का बना दिया यहां पर हस्बैंड वाइफ का बना दिया और यहां पर माइनस सन का भी यहां ही पर लिख दिया बेटे ये ऐसे ही मैंने रब कर देते हैं ये वाला रब कर देते हैं बिल्कुल ठीक है सर ये रब कर दीजिए तो मैंने तीन लेवल्स प्रिपेयर किए बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लेन यू थ्री लेवल्स ऑफ प्लानिंग अब आप ये बताइए हम सबके घर में ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर का क्या रोल होता है दादाजी और दादी जी का रोल क्या होता है क्या वो अर्न करने जाते हैं क्या वो सब्जियां खरीदने जाते हैं या क्या वो प्लानिंग करते हैं हाई लेवल की बिल्कुल आपने ठीक पहचाना दोस्तों हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं स्ट्रेटेजिक लेवल पे वो प्लान करते हैं कि घर में कितने मेंबर्स हैं अब किसको किस किस की मैरिज का टाइम आ गया है किसको क्या खाना है कि क्या ये घर में कुछ रूम्स नए बनवा दिए जाएं क्या नई गाड़ी खरीदें या ना खरीदें ये स्ट्रैटेजिक डिसीजंस कौन लेता है बेटे हमारे सब घर के सीनियर मेंबर्स टॉप मैनेजर्स सिमिलरली इन ऑर्गेनाइजेशन बेटे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक टॉप लेवल होता है एक टेक्टिकल लेवल होता है एक 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 ऑपरेशनल लेवल होता है तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लानिंग क्या लगता है मुकेश अंबानी किस तरह की डिसीजन या किस तरह की प्लानिंग करता होगा कि रिलायंस जियो में फ्री टॉप अप कितना देना है क्या ये प्लान करता होगा नहीं बेटे दिस इज नॉट स्ट्रेटेजिक लेवल ऑफ प्लानिंग बेटे रिलायंस जियो मुकेश अंबानी मैं कहता हूं मर्जर अमेलगमेशन क्या हम किसी के साथ मर्जर करें या हम, करे? क्या हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करें नया कंसेप्ट लॉन्च करें या ना करें दैट लेवल इज ने एज स्ट्रैटेजिक लेवल ऑफ प्लानिंग बेटे एक बार मुकेश अंबानी ने डिसाइड कर दिया दैट दिस इज अर्जर यू हू गो फॉर दैट तो उसके बाद नेक्स्ट आता है टेक्टिकल प्लानिंग जैसे हमारी फैमिली में बेटा ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर ने स्ट्रैटेजिक ले ली कि एक फ्लोर और बनना चाहिए घर में अभी ग्राउंड फ्लोर है कुछ 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 बेटे की एक बेटे की मैरिज हो गई तो अब उसको हम सेपरेट रूम देना चाहते हैं तो सेपरेट एक फ्लोर बना रहे हैं तो ये डिसीजन स्ट्रैटेजिक डिसीजन है इट इज बीन टेकन बाय ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर अब अब आपने डिसीजन ले लिया सेकेंड स्टेप है टेक्टिकल प्लानिंग बेटे कमरा तो बनना है अब उस कमरे को बनने के लिए कितने पैसों की रिक्वायरमेंट है वो कमरा कहां से बनवाना है राजमिस्त्री कौन सा होना चाहिए एंड ऑल दोज बेसिक यू नो बेसिक प्लानिंग यू नो फॉर इंप्लीमेंटिंग दैट प्लान दैट स्ट्रैटेजिक प्लान दैट इज नेम्ड एज ऑपरेशनल टेक्टिकल प्लानिंग एंड थर्ड इज हमने अब एक एक ठेकेदार एक कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट कर लिया हमने सीमेंट वगैरह खरीद लिया अब आज क्या करना है आज लेंटर डलेगा या दीवारें खोदेंगी या राजमिस्त्री क्या काम करेगा दिस टाइप ऑफ प्लानिंग इज ऑपरेशनल प्लानिंग तो बेटे मैंने थ्री थ्री कैटेगरीज बताई तो मैंने कहा फादर और मदर का वर्क क्या होगा बेटे जो सेकेंड बताया कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करना फ्लोर फ्लोर आर्किटेक्ट को अपॉइंट करना उसके बाद उसका उसका डिजाइन करवाना कि भाई अब हमें घर बनाना है एक फ्लोर और बनाना है थर्ड पॉइंट मैंने कहा उस घर की रेगुलर जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं सीमेंट कितना चाहिए पानी कितना चाहिए लकड़ी कितनी चाहिए मिस्त्री कितने चाहिए दैट इज ऑपरेशनल लेवल विच इज बिंग डन बाय हजबेंड वाइफ तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हम अगर अपने बेसिक एग्जाम्पल्स को भी देखें अपने आसपास के एग्जाम्पल्स को सो वी कैन गेट एन आइडिया हमें एक आइडिया मिल सकता है कि विच लेवल ऑफ प्लानिंग इज स्ट्रैटेजिक लेवल एंड विच लेवल ऑफ प्लानिंग इज टैक्टिकल लेवल एंड विच लेवल ऑफ प्लानिंग इज ऑपरेशनल लेवल तो प्लीज आप सभी अभी लिखना नहीं है बेटे आप जस्ट पहले मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से मैंने अभी मुकेश अंबानी का एग्जाम्पल दिया मैंने कहा मुकेश अंबानी मर्जर अमेलगमेशन का डिसीजन लेता है दैट इज स्ट्रैटेजिक डिसीजन अब मर्जर अमेलगमेशन का डिसीजन ले लिया अब उसको ऑपरेट कैसे करना है बेटे टेक्टिकल मैनेजर्स का काम आ जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसीसीएस दैट हाउ टू गो फॉर मर्जर एंड एंडलगमेशन हाउ मच शुड ऑफर प्राइस हम कितने शेयर्स ऑफर करें हम क्या कंसिडरेशन ऑफर करें व्हाट आर द टेक्नोलॉजी वी आर गेटिंग वेदर वी आर एट पावर वेदर वेदर वी आर गिविंग समथिंग एट गुडविल और नॉट बेटे मर्जर एमेलगमेशन करना है ये एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन है अब इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है दैट इज अ टेक्टिकल डिसीजन जैगवार को अमेलगमेट करना है टाटा मोटर्स रतन टाटा का डिसीजन है ना लीगल एस्पेक्ट्स क्या होंगे रेगुलेशंस क्या है शेयर होल्डर्स को कितना पेमेंट होगा दैट इज टेक्टिकल लेवल ऑफ प्लानिंग और थर्ड होगी बेटे बेसिक अकाउंटेंट्स की जो रेगुलर ट्रांजेक्शन हो रही है उस मर्जर अमेलगमेशन में उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है उस को कर रहे हैं दैट इज ऑपरेशनल लेवल ऑफ प्लानिंग बेटे इसी तरह से इन एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वी कैन हैव एज पर एंथनीट लेव नेवल ऑफ प्लानिंग टेक्टिकल लेवल ऑफ प्लानिंग ऑपरेशनल लेवल ऑफ प्लानिंग तो बेटे अब लिखने का टाइम आ गया आइए थोड़ा सा लिखें पेन अपने उठा लें बेटे सभी ने पेन अपने पास रख लेने हाँ बेटे पेन उठा लेने बेटे पेन होता है वो पता है पेन है ना ये उठाओ रजिस्टर खोलो लेक्चर सिक्स लिखो चैप्टर टू लिखो और ऊपर हेडिंग लिखो डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्लानिंग लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी भले मेरी आपको स्पीड थोड़ी सी तेज भी लगे आप वीडियो को पॉज कर लें और जो बच्चे सामने बैठे हैं वो तो बिल्कुल जल्दी जल्दी लिखेंगे और जो वीडियो देख रहे हैं उनको एक एडवांटेज है कि वो मेरे वीडियो को पॉज कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं क्योंकि लिखने से ज़्यादा बातें समझ आती हैं एक बच्चा जो मेरे सामने बैठा है उसने मुँह छोटा कर लिया बेटे मुँह क्यों छोटा किया क्या अच्छा ये कह रहा है कि क्या मैं इतनी स्पीड में लिख पाऊंगा बेटा बिल्कुल लिख पाओगे अच्छी बात है इसे स्पीड में लिखना है ठीक है जी आइए डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड डिफरेंट रोल्स एंड डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सो आई हैव गिवन एग्जांपल ऑफ अ फैमिली ट्री अभी अभी जब जस्ट मैंने बताया बेटे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं नरेंद्र मोदी जी क्या डिसीजन लेते हैं दैट इज अ स्ट्रेटेजिक लेवल ऑफ प्लानिंग जैसे अभी अभी बजट आया तो दे हैव गिवन मोर थ्रस्ट टू एग्रीकल्चर तो ये एक स्ट्रेटेजिक लेवल ऑफ डिसीजन हो गया अब जो उनके मिनिस्टर्स होंगे आर एंड डी एग्रीकल्चर मिनिस्टर है वो दैट इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट दैट दैट इन ऑर्डर टू एनफोर्स दैट बेटे टेक्टिकल लेवल ऑफ प्लानिंग होगी और थर्ड लेवल होगा बेटे थर्ड लेवल होगा ऑपरेशनल लेवल तो आप सब पहले आइए हम लिखें एंथनी का नाम जरूर लिखना बेटे एंथनी ट्रायंगल बनाएंगे अभी हम एक ट्रायंगल बनाएंगे बेटे ट्रायंगल में तीन शेप्स होती हैं ट्रायंगल वी विल प्रिपेयर ट्रायंगल आइए आइए सर जो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं उनको तो बिल्कुल अटेंटिव बैठना पड़ेगा क्योंकि आपको वैसे हम हंड्रेड परसेंट वीडियो बैकअप तो देंगे ही बट अच्छा है ना कि अभी आप मेरे सामने अभी लिख लें फिर घर जाएंगे, घर में नोट करेंगे हाँ जो वीडियोस ही ले रहे हैं खाली जिन्होंने वीडियोज ली हैं दे कैन डायरेक्टली यू नो एन आइडिया वो पॉज कर सकते हैं so i let's have a start with first with anthony triangle so i have prepared a triangle as per given by anthony i have prepared a, I have prepared three actually triangles actually he has given only one triangle concept just to explain the concept i have prepared three triangles one is strategic planning within in, in the middle in the middle that is tactical planning and in the inner circle that is ऑपरेशनल प्लानिंग तो सभी बच्चे एक बार पहले प्लीज प्रिपेयर करेंगे प्लीज प्रिपेयर करेंगे तीन ट्राइंगल्स बना दीजिए दिस इज स्ट्रैटेजिक दिस इज टैक्टिकल एंड दिस इज ऑपरेशनल सो लेट हैव अ राइटिंग समथिंग अबाउट बेटा थोड़ा सा लिखते हैं बिकॉज जब आप लिखेंगे ना तो आपके कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे और आप एमसीक्यूज मल्टीपल टास्क क्वेश्चन ईजिली ग्रास्प कर पाओगे थोड़ा तो सा टाइम लगता है लिखने में बेटा कष्ट होता है बट प्लीज आपको नोट्स बनाने 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 हैं तो प्लीज हैव अ लुक ऑन दिस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इट मेकिंग लॉन्ग टर्म इट डिसम प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म डिसीजन इन एन ऑर्गेनाइजेशन एज आईव जस्ट गिवेन एग्जाम्पल ऑफ मुकेश अंबानी मर्जर अमेलगमेशन इज अ लॉन्ग टर्म डिसीजन स्टार्टिंग विद्यू प्रोजेक्ट इज अ लॉन्ग टर्म डिसीजन

एप्पल कंप्यूटर्स कहां पर होगा इन फाइव इयर्स दैट डिसीजन इज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन सो वट आर द न्यू प्रोडक्ट वी शुड लॉन्च वेदर वी शुड लॉन्च मोबाइल विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नॉट इट इज अ स्ट्रैटेजिक डिसीजन नॉ वेन वंस आई हैव टेकन दट डिसीजन दैट ओके वी विल स्टार्ट मोबाइल फोन विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

of activities to be undertaken by junior managers and supervisors it means those persons who are actually on the floor and they are implementing actually that planning done by those managers is named as operational level of planning it means whether we should start with a new design whether we should change the stock from woollen to, summer, to to summer garments और वेदर वी शूड्स इंप्लॉय हैउंसलर और वन गर्ल सेल्स गर्ल दैट डिसीजन इज्ड एज ऑपरेशनल लेवल तो आइए सर लेट स्टार्ट विद नेक्स्ट कंसेप्ट एंड दैट इज ने एक बार हम जस्ट फर्स्टली कंप्लीट कर लेते हैं आफ्टर दैट हम पी पी डी को करेंगे और गूगल ग्रोम से बात करेंगे आइए एक बार थोड़ा सा गूगल ग्रोम को देख ही लें आपका थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा आपको बेटे दीज आर द द्री लेवल्स ऑफ प्लानिंग एज पर गूगल बाबा देर आर थ्री लेवल्स ऑफ प्लानिंग प्लानिंग वन इज कॉर्पोरेट बिजनेस एंड फंक्शनल प्लस स्ट्रैटेजी मे बी प्लान एट ईच लेवल बट द प्लान फॉर ईच लेवल दिस दिस तो बेटे इस तरह से उन्होंने कहा लेट ये देखिए टाइप ऑफ प्लानिंग स्ट्रैटेजिक प्रैक्टिकल एंड ऑपरेशनल मैंने क्लिक कर दिया और गूगल बाबा से पूछ रहा हूँ गूगल बाबा प्लीज टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइप्स ऑफ यू नो टेक्टिकल प्लानिंग स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड ऑपरेशनल प्लांस तो देखिए कि स्ट्रैटेजिक्लास में क्या लिखा है टू बेस्ट अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांसाइन विच द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन द माइंड एंड बिगन विदेश मिशन वट इज माई विजन वट इज माई मिशन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑन द मैक्रो लेवल That planning is named as strategic planning. Top level managers such as CEOs, president and design execute strategic plans to point a picture in the desired future and long term goals of the organization. This is this. It means आपको थोड़ा तो 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 आइडिया लग गया बेटे बेटे आपको Google से भी साथ साथ अपनी नॉलेज को सप्लीमेंट करना मैं आप सबको भी कह रहा हूँ जो बच्चे बैठे हैं अब देखो आज दो तीन सूर्य नहीं आया सीटी नहीं मिल रही

इट मीन्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बारे में जब सोचता है फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर जब फाइनेंस डिपार्टमेंट के बारे में सोचता है आई आईपैड आई पैड आई फोन का प्रोडक्ट मैनेजर इफ थिंक फॉर और टेक डिसीजन फॉर और टेक प्लानिंग फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट दैट इज नेम्ड एज टेक्टिकल प्लानिंग नॉट नॉट स्ट्रैटेजिक तो आप समझ रहे क्या मीनिंग है ठीक है जी